The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap? Main hu Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, shuruaat mein hi aapse request hai, agar ab tak aapne is channel ko subscribe nahi kiya hai, तो ये मेडिकल चैनल है और 100% ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत। सो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आपको डायबिटीज़ होने का ख़तरा है, फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे पे आप अगर ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। हम इस चीज़ पर आज बात करेंगे और अल्कोहल का क्या रिस्क है, इज इट ओके, कितनी ले सकते हैं और पोटेंशियल थ्रेट्स क्या है, मेडिकेशंस अगर आप लेते हैं तब क्या दिक्कत होगी और लेते हैं तो कौन सी लेनी चाहिए ड्रिंकिंग, और कितना कैलोरीज पे इम्पैक्ट है, तो ये सारी चीज़ों को हम आज देखेंगे। सो समझते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आपके लिवर जो है वो, अगर आपका शुगर लेवल डाउन होने लगता है तो लिवर का काम है कि वो शुगर बनाए, ठीक है, वो शुगर को आपके जो स्टोर्ड शुगर है लिवर के अंदर, ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है, वहाँ से शुगर बनाए। और अगर आपका लिवर ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, अगर आपका बहुत सारी अल्कोहल है आपके अंदर और लिवर इज़ बिजी कि भाई अभी अल्कोहल को डाइजेस्ट करना है, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि आपकी शुगर लेवल अगर डाउन हो रही है तो लिवर को, लिवर का कुछ पार्ट अवेलेबल ही नहीं होगा, काफ़ी पार्ट, कि भाई आपकी शुगर लेवल बढ़ा सके। So, आपकी शुगर लेवल जो लो हो सकती है अगर आप अल्कोहल लेते हैं डायबिटीज के साथ, दैट इज वन रिस्क। ये एक रिस्क हुआ शुगर लो होना, ठीक है। सो अल्कोहल कैन रिजल्ट इन लो शुगर, दैट इज ड्रिंकिंग के बाद, शॉर्टली आफ्टर, और इवन 24 घंटे तक, ड्रिंक करने के अगले 24 घंटे के अंदर तक हो सकता है आपकी शुगर लो होने का रिस्क हो। अब अकेला लो का रिस्क नहीं है, हाई का भी रिस्क होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स आपने खाने में अल्कोहल के साथ लिया भी, क्या लिया, क्या खाया, कितना खाया। और आप ऑब्वियसली अगर ड्रिंक करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करके करें। नंबर दो, जो मेन चीज आपको देखनी है कि डायबिटीज के अपने आप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और अगर ऐसे पर्सन जिसको डायबिटीज बहुत सालों से है, उसके कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, वो ड्रिंक भी करता है, तो कई सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो तेज में आएंगे, जल्दी आएंगे और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, खास करके आई डैमेज, नर्व डैमेज, नसों में दिक्कत। तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा इशू आ सकता है डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन का। सो अगर आप ड्रिंक करते हैं तो कभी कभार ओकेजनल अल्कोहल इज फाइन, और माइल्ड टू मॉडरेट ड्रिंकिंग इज फाइन। अब मॉडरेट ड्रिंकिंग से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन का मतलब है नो मोर देन वन ड्रिंक पर डे फॉर वुमन, और नो मोर देन टू ड्रिंक पर डे फॉर मेन। अगर आप 65 साल से नीचे हैं तो दो ड्रिंक यानी दो पैग दिन में ले सकते हैं, और अगर आप 65 साल से ऊपर हैं तो भाई आपके लिए फिर एक ही ड्रिंक है, और फीमेल हैं तो एक ही ड्रिंक है, बिकॉज बॉडी का साइज उनका छोटा होता है, बॉडी वेट ही कम होता है। सो क्या रिस्क है? नंबर वन रिस्क हमने बताया शुगर लेवल ड्रॉप होना, तो ऐसे में आपकी शुगर्स रेगुलरली चेक करनी चाहिए। और नंबर दो, खाना आप स्किप नहीं करना। कई लोगों का जो, जिन लोग ड्रिंक करके मील नहीं खा पाते, खाना नहीं खाते, उनमें ज़्यादा इशू है। ड्रिंक करके अगर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर दी, उनमें ज़्यादा इशू है। तो लिवर कई बार वाइल प्रोसेसिंग अल्कोहल स्टॉप्स रिलीजिंग ग्लूकोज, एंड देन यू कैन लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया, चक्कर आना। अब ऐसे में ड्रिंकिंग के वजह से चक्कर आ रहा है, शुगर लो के वजह से चक्कर आ रहा है, आप कन्फ्यूज हो गए तो दारू पी के लो या सोया पड़ा है कि नहीं, एंड द पर्सन इज अंडर हाइपोग्लाइसीमिया, अगले दिन पेशेंट ज़्यादा बीमार, सो दैट इज़ अ बिग रिस्क। ऐसे में कई लोगों की जान पे बनाती है। सो लेस रिस्क फॉर लो ब्लड शुगर इज नॉट जस्ट फॉर कुछ घंटों के लिए नहीं, अगले 24 घंटों तक रहता है। सो याद रखिएगा, एक बार में जितनी ज़्यादा पीते हैं उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, उतना ज़्यादा आपका शुगर लेवल लो हो सकता है, खासकर अगर आपने नहीं उसके साथ प्रॉपरली खाना खाया। याद रखिए, हमने वीडियो बनाया था हाउ टू ड्रिंक प्रॉपरली, राइट, सेफ लिमिट्स, उन पे भी अलग अलग वीडियो, नहीं देखा तो देखिएगा, उसमें समझाया हमने कि भी पहले कुछ खाओ और पानी पियो एक गिलास, फिर ड्रिंक, फिर पानी, फिर ड्रिंक, फिर पानी, फिर कुछ खाओ खाओ खाओ, ऐसा समझाया हुआ है। सो यू शुड ड्रिंक ओनली मॉडरेटली एंड विथ फूड, ओके, एंड इन बिटवीन यू नीड लिक्विड्स, डिहाइड्रेशन इज अ बिग इशू ऑल्सो।
मेडिकेशंस का क्या इफेक्ट आएगा आपके ड्रिंकिंग के साथ? कुछ लोग जो ओरल शुगर कंट्रोल करने की दवाई लेते हैं, मुंह से गोलियां खाते हैं, इन लोगों के शुगर की दवाइयों के साथ अगर एक साथ आपने दोनों एक साथ ले लिया, शुगर की दवा भी अल्कोहल भी, तब वो और ज़्यादा रिस्क आ सकता है, बिकॉज उस समय शुगर लेवल और ज़्यादा लो हो सकती है, या फिर वो दवा ही एब्जॉर्ब ना हो उस वजह से हाई शुगर भी हो सकती है। देखिए ऐसा नहीं है सिर्फ लो हाई भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपने दवाई कौन सी है और कितनी ड्रिंक करी, राइट। और अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो इट कैन एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लो कर सकती है वो शुगर को, इंसुलिन और ड्रिंकिंग। सो आपको क्या करना है, एक तो ड्रिंक कम करना है और चॉइस भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर पी रहे हैं तो क्या पिए, राइट। सो अगर आप देखें तो अलग अलग ड्रिंक्स में अलग अलग कैलोरीज होती हैं, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स लेवल होते हैं, लाइट बियर होती है, ड्राई वाइन्स होती हैं जिनमें कम कैलोरीज होती हैं, कम कार्ब्स होते हैं। सो अगर आप मिक्स्ड ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं तो शुगर फ्री मिक्सर्स जैसे डाइट सोडा, डाइट टॉनिक्स, क्लब सोडा, ऐसी चीज़ों को आप प्रेफर करें, वो आपकी शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो एक तरफ शुगर बढ़ने का भी रिस्क है, कम होने का भी रिस्क है, तो दोनों तरफ में हिसाब रख के चलना होता है। सो ऐसी चीज़ों में आप करें चूज जिसकी कैलोरीज आपकी कम हो, ठीक है, जिन भी जो भी ड्रिंक आप लेते हैं, ताकि आपका टोटल अमाउंट ऑफ शुगर जो है इनटेक वो बढ़ना जाए। और आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि मैं भाई ये पीता हूँ तो क्या ये मेरे लिए सेफ है, ऐसी मेरी शुगर रहती है, यू कैन इवेलुएट अगेन। कैलोरीज अपनी चेक में रखिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बियर्स और कुछ प्रकार की बियर्स और कुछ प्रकार की चीज़ों में और ज़्यादा उसमें स्वीटेंड होते हैं, कार्ब्स होते हैं, तो उससे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं, और कुछ में वेट गेनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ऐसे में अगर वेट बढ़ता रहा तो शुगर लेवल मैनेज करना और मुश्किल। सो कैलोरीज अल्कोहल में होती हैं, ये भी लिवर के अंदर एज फैट स्टोर हो सकती हैं, बॉडी के अंदर फैट स्टोर हो सकती है, लिवर के अंदर ज़्यादा फैट होना, बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट होना, उसके वजह से लिवर पे भी अपने आप में सूजन आना और लिवर के प्रॉब्लम्स के वजह से और ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होना और ज़्यादा शुगर लेवल्स बढ़ना, डायबिटीज़ कंट्रोल से और बाहर जाने का रिस्क होता है। सो ये ध्यान में रखें। प्लस इंटॉक्सिकेशन मतलब अति मात्रा में शुगर लेवल नहीं ले, दारू नहीं पीनी, उसके वजह से शुगर लो हो सकती है, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, आप बेहोश हो सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा, उनको लगेगा दारू पिए इस वजह से शुगर लो हुई, उनको नहीं पता और रिकग्नाइज होने में मुश्किल हो जाएगा और ज़्यादा रिस्क हो जाता है। ऐसे में पेशेंट जो है उसके परमानेंट डैमेज होने लगता है ब्रेन को और बॉडी को। सो चेक योर ब्लड शुगर लेवल्स बिफोर यू स्लीप और बिफोर यू इवन इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रिंक। एंड अगर आपका अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से 140 के बीच में नहीं है सोने से पहले ड्रिंक करने के बाद, तो थोड़ा स्नैक्स और ले लो, थोड़ा और खा लो, तो ताकि क्योंकि और ड्रॉप होएगा शुगर लेवल चल रही है अंदर, तो यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल इन एन एम्प्टी स्टमक और व्हेन योर शुगर लेवल इज ऑलरेडी लो, शुगर कम है या खाली पेट नहीं पीना है। एनी टाइम यू ड्रिंक अल्कोहल देर इज अ रिस्क ऑफ लो शुगर, सो अल्कोहल आपको खाने के साथ ही लेना है या फिर कार्बोहाइड्रेट वाले कोई स्नैक के साथ लेना है टू मेंटेन योर शुगर लेवल्स। और दारू पीने के साथ कोई मील खाना स्किप नहीं करना या खाने की जगह दारू पी लिया ऐसा नहीं करना, और स्लोली ड्रिंक करनी है, बहुत ज़रूरी है, स्लोली ड्रिंक, धगड़ 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 से नहीं पीना है। और डू नॉट एक्सरसाइज अगर आप ड्रिंक कर रखी है, बिकॉज शुगर और कम हो सकती है, और अपना अगर कोई मेडिकल कार्ड है, कोई नॉलेज है भाई, वो साथ में रखो, पता लगा पी के गिरे तो पता भी तो हो आप कौन हो, क्या बीमारी है। अकेले मत पीना, लोगों के साथ पीना, ड्रिंक करना है तो ठीक है, और जो पी रहा है जिसके साथ भी उसको पता होना चाहिए आपकी दवा क्या है, आपके सिम्टम क्या है क्या नहीं है। और अगर कोई भी दिक्कत है, थोड़ा सा भी डाउट है, क्या डाउट, डबल विजन हो रहे हैं, धड़कन बढ़ रही है, क्रेजी क्रैंकीनेस लग रहा है, गुस्सा आ रहा है बार बार, नर्वस लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, शेकिंग हो रहा है, ट्रेम्बलिंग हो रहा है, पसीना आ रहा है, टायर्डनेस लग रहा है, टिंगलिंग हो रही है, नींद आने में दिक्कत हो रही है, अनक्लियरली थिंक कर रहे हो, तो ये साइन हो सकता है कि आपकी शुगर लेवल या बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है, तो चेक योर शुगर्स। सो अल्कोहल कैन लीड टू डिस्टर्बेंस इन शुगर्स, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू द एनी कंसर्न पर्सन जो आपके पास हैं, लाइक और शेयर करिए ताकि यूट्यूब लोगों को ये सजेस्ट करें। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।